छोटू पांडे के घटना सुनकर आज म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ हैं जो कि बनारस से चल कर आए हैं आशीष वर्मा जी। ये बड़ा दुखद घटना है सुनकर आप पहुंच गए। क्या कहा जाए, बहुत सपना देखे थे हम लोग। अभी 8-10 दिन पहले फ़ोन किया था, भैया आप रहिएगा बनारस, हम आने वाले हैं, होली होली किया जाएगा, वही शूट उट करेंगे। हम क्या आओ, अपना घर है भाई, कभी स्टूडियो और गायक वाला संबंध नहीं था। आज पंकज बसुदरी भैया और जितने लोग हैं सब लोग, अब लोग आज करीब 15-10 साल का रिलेशन हम लोग का था। कभी उस लड़का को देख के केवल बस हंसी आता था, आज आखिरी टाइम पे रुला दिया बेचारा। कभी सोचे नहीं थे कि इस तरह जाएगा, जाता हर इंसान है, हम आप सब लोग जाएंगे, लेकिन समय पर जाना। हाँ, समय पर जाना और एक सही तरीके से जाता है ना आदमी, ऐसे छत बिछत होकर तोड़ी जाता है। हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे तो लोग बॉडी लेके इधर आ गए थे घर वाले लोग, फिर दो जो मॉडल थी उन लोग का भी बॉडी लेकर के सब लोग गए बनारस, वहाँ उनके परिवार को दिए, फिर वहाँ से भाग के तब इधर आए हम लोग। क्या कहा जाए, कुछ आशीष वर्मा भावुक हो गए, रोने लगे हैं। छोटू पांडे हमारे बीच में नहीं रहे हैं, 8 आदमी 8 कलाकार नहीं हैं, क्योंकि भोजपुरी के कहीं ना कहीं क्षति है, क्योंकि 8 आदमी इंटरटेन कराता तो बहुत अच्छा लगता। क्या कलाकार का काम ही है भैया, सबके सुख दुख में खड़ा होना। वहाँ अगर किसी के तेरही में भी कलाकार गया है तो वहाँ जा कर के उस चीज़ को अपने गायकी के माध्यम से, अपने कलाकारी के माध्यम से भुलाने भुलवाने की कोशिश करता है। यहाँ ऐसा घटना हो गया कि कौन भूल पाएगा, ये सामने इतना बड़ा बड़ा पर्व त्यौहार है, होली है, सब कुछ आदमी एक सोचता ना कि हाँ अभी साल भर पहले उनके यहाँ एक्सपायरी हुई थी तो बोला भैया तनिक टूट गए हैं, हमें कोई बात नहीं संभालो, हम लोग है ही हैं, बैक में हैं हम लोग, और कोई उठा करके बनाना होता बन जाते, स्ट्रगल का लाइफ है, करो जब तक चल रहा है, बहुत बढ़िया गाते हो, बहुत बढ़िया, चलिए भैया जब रोगा कहता नहीं तो ठीक बा। बिल्कुल, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कई कलाकार के ये म्यूजिक बना चुके हैं, हिट पर हिट गाना दिए हैं, लेकिन आज बनारस से चलकर ये घटना स्थल पर पहुँचे हैं। और ये क्या कहिएगा यार, हम लोग भी रोना चालू हो जाएगा, हो रहा है कि हम भी रोएं, लेकिन रात भर मैं नहीं सोया हूँ जब खबर ये सुना। हाँ, मुझे भी 9:30 बजे के करीब सूचना मिली, हम लोग तुरंत गाड़ी निकाल के भागे, लेकिन फिर वहाँ पे ये लोग बॉडी लेके आ गए थे, तो चूंकि बनारस की दो मॉडल थी, एक कानपुर की एक इलाहाबाद की, बनारस रहती थी, उनकी भी बॉडी लेकर जाना था, तो हम लोग फिर रिटर्न हो गए बॉडी लेकर, फिर वहाँ से फिर बनारस से इधर हम लोग चल के आए। हाथ पैर जोड़े कि बस एक बार दिखा दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, क्योंकि अभी तक बॉडी रोक करके रखे थे लोग हम ही लोगों के लिए। क्या भोजपुरी कलाकार पांडे जी के लिए खड़ा होंगे लोग? यहाँ तो सारे लोग खड़े ही है और खड़ा जस्टार लोग, सभी लोग पोस्ट किए हैं यार, और समाज है, छोटू ने किसी से कभी बिगाड़ नहीं किया था, और छोटू ने बहुत व्यवहार कमाया, बहुत नाम कमाया, स्टार होना सुपर स्टार होना एक अलग की बात है, लेकिन छोटू भाई ने बहुत व्यवहार कमाया था, आज व्यवहार यहाँ पे भी दिख रहा है, और उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता, बस समाज खड़ा रह सकता है। दूसरा छोटू पांडे तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। छोटू पांडे के लिए बहुत सारा स्टार लोग पोस्ट किए हैं फेसबुक पर, आपको प्रमोद प्रेमी, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, राकेश मिश्रा, तमाम छोटे बड़े कलाकार पोस्ट किए हैं, और बहुत अच्छा लगता है यार। क्या ऐसा, हम भी लोग सुनकर ये घटनास्थल पर पहुँचे हैं, और आर्थिक सहायता के लिए परिवार को भोजपुरी समाज आगे आएगा कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, सबको आना चाहिए, और ये परिवार है हमारा, कोई भी एक सदस्य नहीं है तो उसके परिवार की देखभाल, और कलाकारी में इस संगीत लाइन में छोटू जी का जो योगदान है तो उसको देख करके तो सबको आगे आना चाहिए। बिल्कुल, दिखा दीजिए, ये दिखाइए, ये दृश्य लास्ट बार दिखाना चाहिए, यही छोटू पांडे का ये लास्ट अंतिम है, और दिखाइए, ये भोजपुरी के दिग्गज स्टार हीरो हैं जो कि आज हमारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, वहाँ पर दिखाइए, फोकस कीजिए, वे है, सभी लोग हैं, दिखा दीजिए, सभी लोग को दिखाइए, ये दिग्गज स्टार छोटू पांडे हमारे बीच में नहीं रहे हैं, हम लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी बक्सर घाट से। ये बहुत बड़ी खबर है, दुखद घटना है, कल से ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है कि आठ कलाकार हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर। देखिए, परिवार हैं लोग, परिवार लोग
अंतिम संस्कार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर। ये भीड़ दिखाइए, यहाँ से भीड़ दिखाइए, ये सभी परिवार लोग हैं, गांव के लोग हैं, कलाकार भी आ चुके हैं, धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर। और देखिए सुपरस्टार छोटू पांडे हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर। ये बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन आनंद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव, बक्सर बिहार। ये इस वक्त मैं बक्सर घाट पर हूँ और भोजपुरी के दिग्गज स्टार जो छोटू पांडे से लेकर चार परिवार का एक ही घर का ये घटना है, ये तस्वीर सीधा तौर पर दिखा रहे हैं बक्सर से। ये जो घाट से मैं लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कल जो रात्रि में भभुआ का प्रोग्राम में एक ही गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, ये सबसे बड़ी खबर। ये दुखद घटना है कि भोजपुरी के छोटू पांडे, भोजपुरी हीरो हैं, गायक हैं, वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आप लोग परिवार में हैं क्या? जी नहीं। कैसे घटना हुआ? एक्सीडेंट से वहाँ दुर्घटना में हुआ है। कितना अभी यहाँ पर लोग आए हैं? कौन हो? उनके रिलेशन गए, बहुत सारा लोग आए हैं, बहुत सारा आए गए लोग। जी नहीं, गाड़ी में थे लोग? इनमें तो आठ लोग थे। देखिए बहुत दुखद घटना है, ये तस्वीर सीधा तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैमरा मैन आएंगे, दिखाएंगे किस तरह से भोजपुरी के दिग्गज स्टार छोटू पांडे इस वक्त हमारे बीच में नहीं रहे हैं। कैसे घटना हुआ? का कह लो भैया, कुछ हमारा बुझाते नहीं है, कुछ कहने लायक नहीं है। जो खबर चल रहा है कि भोजपुरी के छोटू पांडे हमारे बीच में नहीं। जी सही बात है। कहाँ घटना हुआ? मोहनिया में शायद घटना हुआ है, प्रोग्राम में जाते समय। जी जी जी। परिवार कहाँ है? परिवार से मुलाकात करवाएंगे। देखिए सभी गांव के लोग हैं और यहाँ पर जो बक्सर घाट से मैं लाइव जीरो ग्राउंड से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, परिवार के लोगों हैं। कैसे ये घटना? एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट? कितने लोग एक परिवार के हैं? एक परिवार के दो लोग हैं। कितना एक्सीडेंट हुआ? आठ आदमी का। कहाँ कहाँ के लोग थे? घेवरिया गांव तो पूरा हम नहीं जानते हैं। आठों आठों आदमी कलाकार थे? हाँ आठों कलाकार थे। कहाँ जा रहे थे? चंदौली। चंदौली प्रोग्राम में। देखिए भोजपुरी गायक छोटू पांडे हमारे बीच नहीं रहे हैं। आप तो छोटू पांडे के जानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे बीच नहीं रहे, बहुत दुखद घटना कल से खबर चल रहा है। बिल्कुल, ये पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शोक की लहर है कि हम लोग के बीच भोजपुरी के सुपर स्टार नहीं रहे और कल रोड एक्सीडेंट में आठ लोग उनके साथ देहांत हो गया उन लोगों का। बिल्कुल। परिवार कहाँ है उनका? तस्वीर दिखाइए, पिताजी की तस्वीर। आइए आइए, मैं दिखाना चाहूँगा, प्रयास करूँगा, ये सबसे बड़ी खबर। ये पिताजी हैं, ये पिताजी हैं, आइए जाने दीजिए कैमरामैन को, उधर जी हैं। हाँ देखिए छोटू पांडे के पिताजी हैं इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। बहुत दुखद घटना, भोजपुरी के दिग्गज गायक हैं। आप बैठ जाइए, आप लोग बैठिए। कैसे घटना हो गया? प्रोग्राम में जा चल रहे हैं, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, सबकर मौत हो गई गाड़ी में। कितने लोग थे उस गाड़ी में? आठ लोग थे, आठों खत्म हो गए हैं। लेडीज भी थी लोग? दो डांसर थी। एक परिवार के कितने लोग हैं? एक परिवार के दो लोग हैं, दो 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 चिता बुझा गया है। चचा भतीजा हमें जा, ये हमार नात, ये हमार लड़का। रोइए ना चाचा जी, एकदम भोजपुरी समाज खड़ा है आपके लिए। कल से खबर चल रहा है कि भोजपुरी के हीरो नहीं हैं, ये बहुत बड़ी खबर है और आप रोइए ना। चलिए कोई बात नहीं है, होते रहता है। ये देखिए ये सभी लोग आए हैं, सभी लोग कलाकार हैं, गांव के लोग हैं और जीरो ग्राउंड से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग पटना से चलकर आ रहे हैं क्योंकि दिखाना बहुत ज़रूरी है। भोजपुरी के दिग्गज स्टार छोटू पांडे इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे, इस सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, क्योंकि भोजपुरी समाज के हीरो थे और भोजपुरी गायक थे। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज है कि मैं बक्सर घाट से लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। चाचा भतीजा थे? हाँ चाचा भतीजा थे। कैसे ये घटना हुआ? कितने बजे गाँव से निकले थे? बक्सर से निकले थे उन लोग 7 बजे। 7 बजे? कितने लोग सवार थे उसमें? आठ लोग। आठ लोग, आठ लोग सवार थे। होता है यार, घटना होने वाला कोई टलता नहीं है, लेकिन क्या बताएं, भोजपुरी के दिग्गज स्टार छोटू पांडे हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत बहुत दुखद घटना है, ये सबसे सभी लोग आए हैं। आप लोग भी कहाँ कहाँ से?
गांव से हैं हम लोग, तो इंदौर के हैं, सुन के आए हैं। देखिए सभी लोग सुन सुन आ रहे हैं यार, ये सभी लोग सुन सुन आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा मैन आनंद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव, पटना, बक्सर, बिहार।